हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपनी करंट अफेयर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कर रहे हैं। करंट अफेयर की जो भी क्लास होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम लोग अपने डेली के क्वेश्चन कवर करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बीबीसी वर्ड से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आजकल उसके जो ग्राफ पे हैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ताकि आपको ग्राफ के थ्रू ये भी पता चले कि अपने जो देश में या कंट्री के बाहर क्या पोजीशन है, जो फैक्चुअल है वो फैक्चुअल डेटा क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, रवि के मौसम में किस राज्य ने साल 2020 में वर्षा का अधिकतम रिकॉर्ड बनाया है। तो यहां पे बात मैं कर रहा हूं कि वर्षा का अधिकतम रिकॉर्ड किस राज्य ने बनाया है, लेकिन बात क्या हो रही है रवि के मौसम में। देखिए, रवि, खरीफ या जायद, ये क्या चीज होती है, पहले हम लोग उस पर चलते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन का आंसर भी बता देंगे। एक बात समझिएगा, तीन अपने यहां तीन तरह की फसलें होती हैं, एक रवि की, एक होती है खरीफ की और तीसरी होती है जायद की। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, रवि, खरीफ, जायद कहते हैं। अब इनका मौसम क्या होता है, ये कब का मौसम में कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो रवि की जो फसल होती है ये होती है करीब अक्टूबर माह से स्टार्ट होती है, अक्टूबर से दे करके और कहां तक जाती है ये भाई, जाती है मार्च तक। ठीक है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक जितनी फसलें होती हैं वो सारी फसलें क्या कहलाती हैं, रवि की फसलें कहलाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं खरीफ की कौन सी फसल होती है। जो खरीफ की फसल होती है वो होती है आपकी जुलाई से लेकर के, जुलाई जुलाई माह से लेकर के और होती है उसके बाद आपकी अक्टूबर माह तक, जितनी भी फसलें होती हैं वो कहलाती हैं आपकी खरीफ की फसलें। अब मैं बता दूंगा कौन कौन सी फसलें भी आती हैं। जायद की जो फसल होती है वो आपकी अप्रैल से, अप्रैल अप्रैल की होती हैं, अप्रैल की होती हैं, अप्रैल से लेकर के जून तक, अप्रैल मई जून, ये तीन माह की जो फसलें होती हैं वो जायद की फसलें कहलाती हैं। अब रवि की जो फसल होती है उनमें जो मैक्सिमम आती हैं आपकी जो फसलें आती हैं, जैसे मैं बात करूं गेहूं की, चना, मटर, ठीक है, ये फसलें, जो तोरियां, जैसे तुरई भी कहते हैं, तोरियां, ये फसलें आती हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं खरीफ की फसलों की, तो खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसमें सरसों भी लिख दीजिएगा, सरसों भी आती है। ठीक है, अगर मैं खरीफ की बात करता हूं, खरीफ की बात करता हूं, इसमें कौन कौन सी फसलें आती, जैसे आपका मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, धान से ही चावल बनता है। ठीक है, तो ये जो फसलें आती हैं आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। अब जो जायद की फसल होती है, जैसे जायद की फसलों में आ जाता है आपका तरबूज, खरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, या मूंग की दो दाल होती है, मूंग की दाल, वो आती है। अब यहां पे बात का क्वेश्चन पूछा गया था कि रवि की फसल में, मतलब जब जाड़े का मौसम होता है उस समय अधिकतम वर्षा किस राज्य में सबसे ज्यादा पाई गई है, तो आप लगाओगे उसका राज्य क्या लगाओगे, मिजोरम लगाओगे। ठीक है, मिजोरम लगाओगे, मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे डेटा देखिएगा, एक डेटा मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, मिजोरम में जो एवरेज रिकॉर्ड रहता है हर साल का, रवि की बात कर रहा हूं, मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च तक के मौसम की बात कर रहा हूं मैं, जो एवरेज डेटा रहता है वो 10.8 रहता है, मतलब इतनी सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेकिन जो इस बार जो वर्षा हुई है 2020 की मैं बात कर रहा हूं, वो 42.8 हुई है। इसका मतलब जो हमारा जो परसेंटेज है वो परसेंटेज कितना बढ़ गया है, 296%, ये इतना ज्यादा आया है, 200 मतलब पिछली बार का मतलब इतने गुना है परसेंटेज। ठीक है, 296% है पिछली बार का, अगर पिछली बार 100% रही है तो इस बार कितना है, 296% ज्यादा रही है। ठीक, अगला डेटा देखिएगा, त्रिपुरा में भी अच्छा हुआ है, अच्छी खासी जो बारिश हुई है वो हुई है 7.9, हर साल एवरेज रहती थी, इस साल हुई है 26.7 रही है। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं परसेंटेज कितना ज्यादा रहा है, तो 239% ज्यादा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं और भी राज्यों का देख सकते हैं, मैक्सिमम जो उसमें दिखाया गया है वो दिखाया गया है आपका किसका भाई, जितने हमारे पूर्वी उत्तर राज्य हैं, उत्ती उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उनका डेटा इसमें दिखाया गया ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, डेटा पॉइंट की खबरें हैं, आप इसको देखेगा और एनालिसिस थोड़ा करा करिए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन कहता है, गुरुद्वारा
करतारपुर साहिब जो है में किस संस्था के अध्यक्ष आने वाले हैं, जो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है उसमें किस संस्था के अध्यक्ष आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के आ रहे होते तो मैं नहीं कराता, पर बेसिकली ये एक अच्छा, ये गुरुद्वारा पड़ता कहाँ है, ये गुरुद्वारा पड़ता है पाकिस्तान में, और इसमें जो अध्यक्ष आने वाले हैं वो यूएनओ के आने वाले हैं, यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, यूएनओ के आने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बेसिकली क्या आने वाले हैं, अध्यक्ष आने वाले हैं, क्या नाम है अध्यक्ष का, एंटोनियो गुटरेस, क्या नाम है, एंटोनियो गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, ये नाम है इनके अध्यक्ष का, जो अभी चीफ है इसमें प्रेजेंट टाइम में, यूएनओ के चीफ है, उनका नाम एंटोनियो गुटरेस है, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, जो यूएनओ है वो कहां की संस्था है, ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसी देश के द्वारा कंट्रोल नहीं करी जाती है, बल्कि 193 देशों के द्वारा ये संस्था चलती है, मतलब इसके जो सदस्य हैं वो 193 देश हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये करते हैं कि इसका मुख्यालय भाई कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में, वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, और न्यूयॉर्क किसकी सिटी है भाई, यूएसए की सिटी है, अमेरिका की एक सिटी है, और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अच्छा जो इसके 5 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के जो पांच परमानेंट सदस्य हैं, परमानेंट सदस्य कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, यूएनओ में 5 परमानेंट सदस्य के नाम बताइए, तो पहला आपको ध्यान रखना है यूएसए, दूसरा जापान नहीं है, माफ कीजिएगा, पहला यूएसए है, दूसरा चीन है, तीसरा है आपका रूस है, चौथा है आपका ब्रिटेन, और पांचवा है फ्रांस, बार ठीक है, ये 5 नाम है जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कह सकते हैं, या फिर उसके अंदर की एक संस्था है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्य हैं, ठीक है, इतनी सी बातें यहां पे आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अच्छा ये संस्था बनी कब थी, क्या भारत यूएनओ का मेंबर है, जी हाँ भारत यूएनओ का मेंबर है, पर परमानेंट सदस्य नहीं है, ठीक है, परमानेंट सदस्य नहीं है। ये संस्था बनी कब थी, 1945 में बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1945 में संस्था बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है WHO ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है, तो COVID-19 नाम दिया है, बहुत ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस के बारे में बोल सकता है, कोरोना वायरस के बारे में COVID-19 इसको नाम दिया गया है, किसने दिया है भाई, WHO ने नाम दिया है। WHO के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, WHO जो संस्था है ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब किसी देश के द्वारा पर्टिकुलर नहीं डायरेक्ट करी जाती है। अब देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम है, ठीक है। अब यहां पे हमें पता चलेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब हेल्थ पे काम करती है। दूसरी बात यहां पे एक ध्यान रखना है कि 7 अप्रैल 1948 को बनाई गई थी, 7 अप्रैल 1948 को यह संस्था बनाई गई थी, जन्म इसका तभी हुआ था। क्या भारत इसका सदस्य है, जी हां भारत इसका सदस्य है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो WHO संस्था है ये 7 अप्रैल 1948 को बनी थी, इसका मतलब एक और चीज कह सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन इतना सा पूछा जाएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भाई, ये बता दो हमें, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बस इतनी सी बात है यहां पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगर इसके अध्यक्ष आपसे पूछना चाहता है तो आप अध्यक्ष का नाम बोलिएगा टेड्रोस एडहेनम, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम है लेकिन आपको पता होना चाहिए, टेड्रोस एडहेनम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बेसिकली मैं इनको एनालिसिस करके लाता हूं आपके द इंडियन एक्सप्रेस से, द हिंदू से, बीबीसी वर्ल्ड, तीनों की खबरें होती हैं, जितनी इंपॉर्टेंट बन पाती है मैं उतनी बना के लेके आता हूं। चलिए चौथा क्वेश्चन है, कोल इंडिया का
तीसरी तिहाई का जो घाटा है वो कितने परसेंट रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड क्वेश्चन बनता है, इसलिए बनता है, एक ध्यान रखिएगा, अपने भारत में आठ वो महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां कितनी हैं? आठ महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। मैं उनका नाम भी बता देता हूं, एक बार में बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सा पॉज करके लिख सकते हैं। पहली है एनटीपीसी, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पे। पहली है एनटीपीसी, दूसरी है कोल इंडिया लिमिटेड जो मैंने नाम लिखा है, तीसरी है ओएनजीसी, गेल है, भेल, सेल, ठीक है, फिर बीपीसीएल और उसके बाद आईओसीएल। ये आठ बेसिकली कंपनियां हैं जो महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां कौन सी होती हैं आप लोग जानना चाहते होगे तो ये जानिएगा, जिन कंपनियों का जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, 5,000 करोड़ सालाना होता है, उससे ऊपर होता है, वही कंपनियां महारत्न कंपनियां कहलाती हैं। भारत में सिर्फ और सिर्फ महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? आठ कंपनियां हैं। पीएससी होती है वही केवल महारत्न कंपनियों का दर्जा पाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है प्राइवेट कंपनियां भी पा जाएंगी। तो सीआईएल उनमें से एक कंपनी है, महारत्न कंपनियों में से, और इसका जो तीसरी तिमाही का घाटा हुआ है वो करीब 14% है, बहुत बड़ा घाटा है। और मैं रुपए की बात करूं तो 3,922 करोड़, ठीक है, देखिए 5,000 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट होता था, ठीक है, लेकिन घाटा देख रहे हैं, घाटा 3,922 करोड़ रुपए घाटा हो गया। प्रॉफिट ये करना था लेकिन ये प्रॉफिट कर नहीं पाई, ठीक है, एक साल की बात कर रहा हूं, ये तो खाली तिमाही का घाटा है, मतलब तिमाही मतलब तीन महीने का जो घाटा हुआ है, ठीक है, अभी आने वाले तीन मंथ जो हुए हैं उसमें इतने का घाटा हो चुका है, पूरे साल भर का नहीं बोल रहा हूं, लेकिन साल भर का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, ठीक है। सीआईएल का घाटा 14% हुआ है, परसेंटेज की बात करूं तो 14% घाटा हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अच्छा, एक और बात करता हूं मैं, कोल इंडिया लिमिटेड का आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा कोलकाता में है, ठीक है, कोल है तो कोल से कोलकाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये बनता है पांचवा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, उसका आंसर करिएगा आप लोग भी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि जो है किस बैंक ने रिटेल पेमेंट सिस्टम को बढ़ाने के लिए अम्ब्रेला एंटिटी की शुरुआत करी है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने ऐसा किया है, आरबीआई ने बोला है कि हम रिटेल पेमेंट को बढ़ाएंगे, तो इसकी वजह से उन्होंने एक अम्ब्रेला एंटिटी की शुरुआत करी है। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर आपसे पूछ सकता है, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास जी हैं जो इसके प्रथम अभी के टाइम प्रेजेंट टाइम के जो है वो कौन है? गवर्नर हैं, ठीक है। अच्छा, एक और मैं बात बताना चाहता था कि आरबीआई ने अभी अपनी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस किए, तो कितने बीपीएस पॉइंट का, मतलब बेसिस पॉइंट का चेंजेस किया है? हाँ, बोलोगे जीरो बीपीएस का, जीरो बेसिस पॉइंट का चेंजेस किया, मतलब कोई चेंजेस ही नहीं किया है इस बाई मंथली में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट तीनों बताए थे, आप अगर हर दिन की करंट अफेयर देखते हो तो आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने क्या बताया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, छठे क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। और आरबीआई अगर बनी कब थी तो ये समझिएगा कि आरबीआई जो एक्ट है वो 1934 का है, और फॉर्मेशन जो हुआ था, इसको बना था, वो बनी थी 1935 में बनी थी, पहले एक्ट आता है फिर बाद में संस्था स्थापित होती है, तो 1934 में एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1934 था, लेकिन बनी कब थी? 1935 में बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए छठा क्वेश्चन पे चलते हैं, छठा क्वेश्चन कहता है 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, 13 फरवरी को बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। अच्छा, एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, 13 फरवरी को एक और जन्म हुआ था, 13 फेब 1879, ये डेट थी, इस डेट को एक बहुत ही लेडी का जन्म हुआ था, आप सभी को पता होगा, सरोजनी नायडू का, सरोजनी नायडू जी का
जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं 13 फरवरी को किसका जन्म तिथि मनाई जाती है, तो सरोजनी नायडू जी को। अच्छा, सरोजनी नायडू जी को एक टाइटल मिला था, ध्यान रखिएगा, नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया का जो टाइटल मिला था वो अर्न किया था उन्होंने, और किनको मिला था, सरोजनी नायडू जी को मिला था। अगर इनकी डेथ की बात करते हैं तो डेथ हुई थी करीब इनकी 2 मार्च 1949 को, समथिंग इसी डेट में इनकी डेथ हुई थी। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। फरवरी की आप जो वैलेंटाइन वीक है उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इंडेक्स को याद रखें, ठीक है। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है। तो धर्म गार्डियन बहुत ध्यान रखना है, भारत और जापान के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में कौन सा होता है, धर्म गार्डियन होता है। अच्छा, क्या धर्म गार्डियन नाम का ही सिर्फ युद्ध अभ्यास होता है, जी नहीं, इसके साथ साथ भारत जापान के साथ में जीमैक्स एक्सरसाइज भी करता है। एक जीमैक्स नाम की एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये क्या है, जीमैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज है। धर्म गार्डियन तो करता ही करता है, जीमैक्स नाम की भी मिलिट्री एक्सरसाइज बेसिकली करता है जापान के साथ। एक और नाम है, आप लोगों को ये नाम ध्यान आ रहा होगा, मालाबार, मालाबार एक्सरसाइज इसके साथ होती है। तो उसमें कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं बताइएगा, 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो जापान करता है, दूसरा भारत करता है और तीसरा यूएसए भी करता है। तो बेसिकली 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं मालाबार एक्सरसाइज में, ठीक है। जीमैक्स में सिर्फ 2 देश करते हैं, भारत और जापान, और धर्म गार्डियन में 2 देश पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो भारत और दूसरा जापान, ठीक है। चलिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन रहेगा तो मैं फिर से बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। मुझे जहां जहां लगता है कि हो सकता है कंफ्यूजन हो, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 8वां क्वेश्चन कहता है, 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 12 फरवरी को जो मनाया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, या फिर इंग्लिश में बोले नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, प्रोडक्टिविटी डे, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस भी कहते हैं, ठीक है। ये कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को मनाया जाता है, और 13 फरवरी को मैंने आपको बताया था, 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है, अभी हाल ही में बताया था, वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं 10 फैब को, मैं बता देता हूं 10 फैब को, जो पिछला हम लोग भी रिवाइज कर लेते हैं, 10 फैब को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे, वर्ल्ड पल्सेस डे, ठीक है, वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। अच्छा, 4 फैब को क्या मनाया जाता है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं, वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 1 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल कोस्ट गार्ड डे, ठीक है, नेशनल कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, ठीक है। तो आज ही मैं करंट अफेयर की क्लास यही तक रखता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको चाहिए आगे, ठीक है। तब तक ले चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।